रंगों और खुशियों की बहार लेकर आया होली त्यौहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी हिंदू भी अपना मजहबी त्यौहार होली मना रहे हैं। उमरकोट के हर चौराहे पर डांडिया रक्स किया जा रहा है, जबकि नौजवान एक दूसरे से रंग लगाते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट की तैयार की है अतम संग्रासी ने, आइए हम सब देखें। ये कोई भारतीय शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान का शहर उमरकोट है, जहाँ हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार बड़े ही जोश जज्बे के साथ मना रही है। हिंदू नौजवान मिलकर मुक्ति शाहराहों और चौराहों पर मजहबी गीतों और ढोल की थाप पर डांडिया रक्स करते नजर आ रहे हैं। शाम ढलते ही मुख्य जगहों पर होली का विराह कर हिंदू मर्द खवातीन मिलकर पूजा करते हैं। बाद में होलिका को जलाकर त्यौहार का आगाज किया जाता है। उमरकोट में मौजूद हिंदू बिरादरी का कहना है कि पाकिस्तान में हम अपना मजहबी त्यौहार आजादाना तरीके से मनाते हैं। होली के त्यौहार को सिर्फ हिंदू बिरादरी नहीं बल्कि मुस्लिम भाई भी हमारे साथ मिलकर होली मनाते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ मंदिरों में जाकर पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी पूजा भी करते हैं। इम्तियाज अली खुसुमान, 98 न्यूज़ उमरकोट। आते हूँ हिंदू मुसलमान सब भाई से मिलाते हूँ, रंग मकते हूँ, अच्छा अच्छा त्यौहार आता है और खाना पकाते हैं, अच्छे अच्छे मेहमान आता है, अच्छा अच्छा रोटी पकाते हूँ, खुलाते हूँ। पैगाम देती है यहाँ हमारे उमरकोट में, हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर मजहबी हमांगी का एक पैगाम लेकर होली मनाते हैं और बहुत खुशियों का त्यौहार है। और आप देख रहे हैं कि बच्चों में कितना जोश खरोश है और बच्चे कितनी खुशी से ये त्यौहार मना रहे हैं, जोश और जज्बे से मनाते हैं। और यहाँ पे जो है मुस्लिम और हिंदू बिरादरी इकट्ठी होकर मनाती है, कोई फर्क नहीं महसूस होता। यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब एक रंग में रंग जाते हैं, होली के रंगों में रंग के एक होके भाइयों की तरह होली मनाते हैं और बहुत ही जोश जज्बे से मनाते हैं। ऐसा मंजर शायद ही कहाँ दुनिया में नजर आया आपको।